एक जंगल में लूसी कबूतरी अपने 3 बच्चों के साथ में रहती थी। बरसात ना होने की वजह से सूखा पड़ गया था और जंगल के सारे ही पेड़ सूख गए थे और जंगल में कबूतरी लूसी को भोजन नहीं मिल रहा था। वह अपने बच्चों से कहती है कि बेटा, अब हम इस जंगल में नहीं रह सकते क्योंकि जंगल में हमें भोजन नहीं मिल रहा है, सभी पेड़ पौधे सूख चुके हैं। तो लूसी कबूतरी की बेटी कहती है, मम्मा हाँ, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्यों न हम दूसरे जंगल में चलते हैं जहाँ पर तोता अंकल रहते हैं। तो लूसी कबूतरी कहती है कि हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, हम तोता अंकल के जंगल में चलते हैं और उनसे मदद मांगेंगे। फिर लूसी कबूतरी और उसके 3 बच्चे तोते के जंगल में पहुंच जाते हैं और तोते से कहते हैं कि तोते भैया, हमारे जंगल में बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया है और जंगल के सारे ही पेड़ पौधे सूख चुके हैं, हमें जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम हमें अपने जंगल में रहने को दोगे? तो वह तोता कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने जंगल में नहीं रहने दूंगा। तो वह लूसी कबूतरी कहती है कि देखो तोते भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तुमसे मदद मांगती हूँ, तुम मुझे अपने जंगल में रहने दो। तो तोता कहता है कि चल जल्दी से भाग जा अपने इन बच्चों को लेकर। फिर वह लूसी कबूतरी कहती है कि ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। फिर वह लूसी कबूतरी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि बेटा, अब हमें कालू अंकल के पास चलना चाहिए क्योंकि उनसे भी मदद मांग लेते हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और अपने जंगल में हमें रहने को देंगे। फिर लूसी कबूतरी और उसके 3 बच्चे कालू कौवे के जंगल में पहुंच जाते हैं और कालू कौवे से लूसी कबूतरी कहती है कि कालू भैया, हमारे जंगल में पिछले साल बरसात नहीं हुई, इस कारण से सूखा पड़ गया है और जंगल के सारे ही पेड़ पौधे सूख चुके हैं, यहाँ तक कि हमें वहाँ पर पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम अपने जंगल में मुझे पना दोगे? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, 2 से उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो कालू कौवा कहता है कि मैं और तुझे अपने जंगल में रहने दूं? नहीं नहीं, मैं अपने जंगल में तुम्हें नहीं रख सकता हूँ, तुम चारों मिलकर मेरा भोजन खा जाओगे, फिर मैं भी तुम्हारी तरह दूसरे जंगल में भटकता फिरूँगा। नहीं नहीं, तुम यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाओ। फिर लूसी कबूतरी कहती है कि कालू भैया, मैं विनती करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, तुम मुझे अपने जंगल में रहने दो, थोड़ी सी जगह दे दो। तो वह कालू कौवा कहता, चल चल जल्दी से अपने बच्चों को लेकर जा। फिर
फिल्लू से कबूतरी कहती है कि काले कहीं के तुम इस जंगल में ही राज करना चाहते हो और तुम अच्छे नहीं हो। फिर कालू कौवा कहता है कि ठीक है, तुम और अपने बच्चों को जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे पंख पकड़कर घीस कर और जंगल से बाहर फेंक दूंगा। फिर वह लूसी कबूतरी कहती है कि कालू भैया, इतना घमंड अच्छा नहीं है, मैं जा रही हूँ। फिर लूसी कबूतरी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर अपने बच्चों से कहती है कि बेटा, एक रास्ता अभी और बाकी है, टूनी चिड़िया, हम उसके जंगल में चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। फिर लूसी कबूतरी और उसके तीनों बच्चे टूनी चिड़िया के जंगल की तरफ चल देते हैं और लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे जंगल में बरसात नहीं हुई और बरसात ना होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, यहाँ तक कि जंगल में पीने को पानी भी नहीं रहा है और हमें भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम हमें अपने ही जंगल में थोड़ी सी हमें जगह दोगी। मैं जंगल के सभी पक्षियों के पास गई थी मदद मांगने को, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की और मुझे धुतकार कर अपने जंगल से बाहर निकाल दिया है। मैं बड़ी ही आशा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, हमें अपने जंगल में रहने की जगह दे दो। तो टूनी चिड़िया कहती है, लूसी बहन, तुम घबराओ मत, तुम मेरे जंगल में रहना, तुम्हारे बच्चों को भूख लगी है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए अभी जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ से कुछ फल लेकर वापस आ जाती है और लूसी कबूतरी से कहती है कि लूसी बहन, ये तुम अपने बच्चों को कुछ फल है, उन्हें खिला दो, वे बहुत भूखे हैं। फिर लूसी कबूतरी अपने बच्चों से कहती है, बेटा ये फल तुम खा लो। फिर लूसी कबूतरी के तीनों बच्चे फल खाते हैं और कहते हैं, मम्मा ये फल बहुत ही मीठे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, हम अब साथ साथ रहेंगे और हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो टूनी चिड़िया कहती है, हाँ लूसी बहन, तुम इसी जंगल में रहना और हम सब साथ साथ रहेंगे। फिर लूसी कबूतरी और उसके तीनों बच्चे और टूनी चिड़िया उस जंगल में खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।